हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। सो ये है टाटा पंच का टॉप एंड फुली लोडेड वेरिएंट व्हिच इज़ क्रिएटिव मॉडल विद आयरा पैक। एंड टाटा पंच के आने के बाद जो कार की अदर टाटा कार्स की सेल है जैसे कि टियागो की, वो सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है बिकॉज एसयूवी की जो डिमांड है वो इंडिया में काफ़ी हाई रहती है। सो बेसिकली जो इसकी एवरेज मंथली सेल कंपेरिजन चार्ट है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो टाटा पंच है वो बेसिकली टाटा टियागो एंड टाटा निक्सॉन के बीच में आती है। जितनी भी टाटा कार्स हैं उनकी जो प्राइस रेंज है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप टाटा एल्ट्रॉस लेते हैं या टाटा निक्सॉन लेते हैं तो उसके प्राइस रेंज में भी इसके कई वेरिएंट क्लैश करते हैं। इसके जो बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस है दैट इज़ 6 लाख रुपीज़ एंड जो इसके टॉप एंड मॉडल का प्राइस है यानी कि क्रिएटिव मॉडल का आयरा पैक वो है 9.5 लाख रुपये ऑन रोड। मैनुअल का ऑटोमेटिक आपको 10.5 लाख रुपये लगभग मिल जाते हैं ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं इस कार के हर एक मॉडल का अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो काफ़ी ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि काफ़ी अदर राइवल कार्स को एंड अपने टाटा कार्स को भी टक्कर का मुकाबला दे देता है। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे जो क्रिएटिव मॉडल है आपको यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। स्मार्टफोन ऐप से हम कार को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। व्हीकल स्टेटस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि जियो फेंसिंग, स्पीड अलर्ट मिल जाता है और यहाँ पे इवन आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर वगैरह भी मिल जाते हैं। कार को हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते या प्री हीट या प्री कूल नहीं कर सकते स्मार्टफोन ऐप से। बेसिक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इस कार में अवेलेबल है। सो हम शेयर करने वाले इसका डिटेल वॉक अराउंड। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सो दिस इज द फ्रंट लुक और टाटा पंच ने स्कोर करे हैं ग्लोबल एनकैप टेस्ट में फुल 5 स्टार विच इज़ अ एक्सेलेंट नंबर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे आपको अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सो वी हैव गॉट कंप्लीट 90-degree डोर ओपनिंग। सो अगर आपको यहाँ पे कोई बिग लगेज, बिग स्टफ लोड अनलोड करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड फर्दर मोर गाइज इवन यहाँ पे आपको हमने टेस्ट ड्राइव इसकी जो वीडियो पोस्ट करी थी उसमें मैनुअल में ऑटोमेटिक में हमने काफ़ी कुछ बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ उसमें कवर्ड है। सो अगर आप इस कार को प्लान करें हैं लेने का आप मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर से चेक करें। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं एंड देन दिस इज़ द फ्रंट फेशिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी। टाटा की यहाँ पे ह्यूमैनिटी लाइन दी गई है जो कि एडजॉइनिंग है इससे। एंड आप देख सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर्स हैं दैट इज़ इन हेलोजन। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प यूनिट मिलता है, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं। लो बीम प्रोजेक्टर में है, हाई बीम आप देख सकते हैं नॉर्मल रिफ्लेक्टर में मिलती है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन भी मिलता है। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी दिया गया जिसके आप सेकंड्स ड्यूरेशन अपने आप सेट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से। यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स भी इवन अवेलेबल है। सो ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। दीज आर फॉग लैम्प। एंड राइट अवे ये है कार की साइड प्रोफाइल। एंड यहाँ पे इवन कलर ऑप्शन भी आपको सारे ही डुअल टोन मिलते हैं इस मॉडल में। सो सिंगल टोन कलर कोई भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ सिंगल इंजन ऑप्शन आपको फिलहाल मिलता है विच इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पे टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन आपको अभी नहीं मिलता और ना ही कोई डीजल इंजन अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों ही आपको ऑफर करे जा रहे हैं। मैनुअल इज़ डेफिनेटली बेटर देन ऑटोमेटिक बिकॉज ऑटोमेटिक आपको मिलता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। सो मैनुअल स्लाइटली उससे बेटर है, स्लाइटली नहीं बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही उससे बेटर है। यहाँ पे साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। एंड देन आप देख सकते हैं फायरवॉल पे भी साउंड एंडिंग मटेरियल्स। यहाँ पे फुल अंडरबॉडी इंजन गार्ड नहीं मिलता बट साइड्स में आप देखेंगे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड तो प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है सफिशिएंट। एंड टाटा पंच वाइट कलर में बेस्ट लुक ऑफर करती है, काफ़ी ब्रॉड काफ़ी बिग लुक ऑफर करती है ये कार। एंड नेक्सॉन के साथ इसका जो डायमेंशन कंपैरिजन है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर गाइस। सो इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा छोटी कार है या स्मॉल एसयूवी या मिनी एसयूवी है, काफ़ी ये सफिशिएंटली बिग साइज़ की है। व्हील आर्चर स्लाइडिंग, साइड बॉडी स्लाइडिंग काफ़ी बिग साइज़ की दी गई है। वी हैव गॉट गुड लुकिंग अलॉय व्हील्स 195/60 R16। यहाँ पे विंग मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन दिए गए हैं। सनरूफ आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगी। एंड रूफ रिल्स अवेलेबल हैं, बिग साइज़ की फंक्शनल रूफ रिल्स दी गई हैं गाइस। माइक्रो रूफ एंटेना। और ये है कार की रियर लुक, वोकल फॉर लोकल। एंड रियर में स्पॉइलर अवेलेबल नहीं है, वी हैव गॉट वाइपर, वी हैव गॉट डिफॉगर। और ये है रियर लुक। सो ट्राई एरो शेप आपको टेल लैम्प मिलेंगे। यहाँ पे इवन टाटा का बैज भी अवेलेबल है। और यहाँ पे पंच की बैजिंग, यहाँ पे कैमरा,
रियर में आपको टू सेंसर्स मिलते हैं, फोर नहीं दिए गए, एंड यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स, कुछ आपको ईस्टर एग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट की लाइट्स एलईडी में मिलेगी, जो कि नाइट में काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करती है। यहाँ पे कवरिंग दी गई है, यहाँ पे क्रैप हैंडल, यहाँ पे आपको ये पार्ट अनकवर्ड मिलेगा, ये पार्ट आपको यहाँ पे अनकवर्ड मिलेगा। दिस इज़ पार्सल शेल्फ, एंड यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे 1 kg का ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है। सेम गोज विद देयर लगेज हुक आपको मिलेगा 1 kg का। इसके नीचे एक लैम्प भी दिया गया है, एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा आपको हाई मिलता है, सो दैट इज़ वन थिंग। तो बिग लगेज आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लोड करने में, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जो स्पेयर टायर है वो मिलता है 13 inches का, एंड इट इज़ नॉर्मल स्टील व्हील नॉट इन अलॉय। यहाँ पे 185x70 R15 दिया गया, ये पार्ट आपको अनकवर्ड मिलेगा, एंड 60-40 स्प्लिट फंक्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको नॉर्मल यहाँ पे बेंच फोल्डिंग सीट्स ही मिलती हैं गाइस। सो इसको रिमूव कर लेते हैं फटाफट से, एंड सीट्स को फोल्ड डाउन करते हैं। चाइल्ड लाइक सोफिक्स माउंट्स भी अवेलेबल हैं, सो ऐसे यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, डबल फोल्ड नहीं होगी नेक्सॉन की तरह, नेक्सॉन में डबल फोल्ड हो जाती है। और ये कार की साइड प्रोफाइल, और इस टॉप इन मॉडल के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, सफिशिएंट यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो इट इज़ नॉट फॉक्स एयर ब्रीदर, ये आपको एक्चुअल में यहाँ पे वेंट मिलता है, यानी कि ये एयर कर्टेन दिया गया है जिसे हम लग्जरी कार्स में एयर ब्रीदर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी आप हेडलैम्प यूनिट के पास देखेंगे, सो देर इज़ सम स्पेस, सो बेसिकली यहाँ पे भी आपको एयर कर्टेन मिलता है। तो कार काफ़ी एरोडायनामिकली डिज़ाइन करी गई है, और टाटा पंच लॉन्च हुई थी 14 नवंबर 2021 में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन विद द राइवल कार्स। सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में पंच की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 187 mm, टर्निंग रेडियस 5 meters, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 liters, बूट स्पेस 319 liters, व्हील्स का आपको साइज़ मिलता है 195x60 R16, कर्व वेट 1000 kg से लेके 1035 kg, एंड वाटर वेटिंग इज़ 370 mm। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन, दिल्ली का ही ऑन रोड प्राइस है, आप अपनी सिटी के हिसाब से हल्का सा प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, बट ये सारी कार्स आपको मिल जाती है। सो पंच के इस वेरिएंट का जो प्राइस है उसमें आपको नेक्सॉन का XMS मॉडल मिल जाएगा, इग्निस का अल्फा मॉडल मिल जाता है, इवन मैग्नेट एंड काइगर का भी एक वेरिएंट मिल जाता है, विच इज़ रियली ग्रेट। सो यहाँ पे आप कंप्लीट ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन देख सकते हैं दोस्तों, एंड अब हम चेक करते हैं इंटीरियर्स। उससे पहले गाइज डू हिट द लाइक बटन। सो दीज आर द कीज, टू कीज हमें मिलेंगी, टाटा की स्मार्ट कीज अवेलेबल है, एंड ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स, उसको प्रेस करेंगे तो भी हम कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। एंड फर्दर मोर गाइज, यहाँ पे की में जो हमारे पास एक लाइट का स्विच है, तो बेसिकली कार यहाँ पे हमारी लॉकड है, एंड हम इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाती है, ताकि हम कार को ईजिली फाइंड कर सके डार्क में। एंड ऑल्सो कीज़ यहाँ पे हमारे पॉकेट में है फॉर एग्जांपल, एंड हमें बूट ओपन करना है तो जस्ट आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे, एंड कार लॉक्ड है बाय द वे, सो कार लॉक्ड है, इसको आप जस्ट ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, एंड जो कार है वो लॉक्ड ही रहेगी। सो यू कैन सी, इसको आप नीचे करेंगे तो भी कार लॉक्ड ही रहेगी गाइस, एंड ये भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, सो दैट इज़ द थिंग। इसको प्रेस करते हैं, एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन, वेलकम फंक्शन इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आयरा कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड। की इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, सो वी हैव गॉट दिस फॉग लैम्प कंट्रोल, एंड फर्दर मोर यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सो वी हैव गॉट ड्राइव मोड, इको मोड एंड सिटी मोड, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, एंड दिस इज फॉर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड। एंड देन यहाँ पे एक डेड पेडल अवेलेबल है, क्लच फुट रेस्ट, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं फ्यूल लिड को, और यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है, एंड यहाँ पे भी इवन आपको ब्लू एसेंट्स मिलते हैं, इस इवेंट्स के पास भी ब्लू एसेंट्स दिए गए हैं। एंड देन वी हैव गॉट हाइट एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर साइड सीट, और ये है फ्रंट डोर के लुक, एंड बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पे आपको पडल लैम्प मिल जाता है इन हेलोजिन, जो कि दोनों ही फ्रंट डोर्स में दिया गया है, रियर डोर में आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे ट्विटर्स की स्पेस, यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं फ्रंट में, इवन रियर में भी ट्विटर्स की स्पेस दी गई है।
सो स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट एंड फ्रंट में आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है. सो फ्रंट दोनों ही डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर अवेलेबल है. ऑल फोर पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, बट ऑटो अप अवेलेबल नहीं है. देन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन. एंड यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक एम्ब्रेस मिलती है. लेदर ऐप आप बाद में करवा सकते हैं इन 1500. और डोर को लॉक करने जस्ट आप ऐसे प्रेस करेंगे, डोर लॉक हो जाएंगे. सारी ऐसे प्रेस करेंगे तो डोर अनलॉक हो जाएंगे. सो इंडिविजुअली भी हम इसे कर सकते हैं. एंड दिस इज द स्टीयरिंग व्हील विच इज़ लुकिंग अमेजिंग. एंड यहाँ पे कंप्लीट आपको फ्लैट बॉटम लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील मिलता है. लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील एंड लेदर ऐप गियर नॉब बहुत ही अच्छी ग्रिप ऑफर करती है. सो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स अवेलेबल हैं. देन वी हैव गॉट क्रूज कंट्रोल एंड MID कंट्रोल्स ओवर हेयर. एंड हॉर्न की आप साउंड भी सुन सकते हैं. टिपिकल टाटा की साउंड आपको मिलती है, क्वाइट प्लीजिंग. एंड यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया. लेफ्ट साइड वाइपर कंट्रोल्स एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स अवेलेबल है. सो ऑटोमेटिक वाइपर्स, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प. वाइपर का यहाँ पे सेंसर दिया गया, यू कैन चेक. और ये है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. उससे पहले गाइज, दिस इज द व्यू दैट वी गेट वाइल ड्राइविंग द कार. तो ये है मेरा आई का व्यू. सो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको यहाँ पे फुल बोनेट दिखेगा. एंड बिग साइज के विंग मिरर्स अवेलेबल हैं. रियर व्यू मिरर से जो व्यू है वो भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर ही मिलता है. बिग साइज की हेडरेस्ट की वजह से हल्का सा व्यू ब्लॉक हो जाता है, बट ओवरऑल इट इज़ क्लियर. सो काफ़ी कमांडिंग व्यू मिलता है. हम काफ़ी टॉल बैठते हैं ऑन रोड, सो दैट इज़ नाइस. सो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, डिजिटल क्लॉक, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन. एंड ये कम्प्लीट डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया. उधर आपको एनालॉग मिलेगा स्पीडोमीटर. और यहाँ से हम MID कंट्रोल कर सकते हैं. सो रियल टाइम पावर एंड टॉक फिगर यहाँ पे डिस्प्ले होता है. देन अगर कोई यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा है तो वो भी डिस्प्ले होगा. आपको डिस्टेंस टू MTB मिल जाएगा, लो फ्यूल रिमाइंडर्स, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंजन रनिंग टाइम, डुअल ट्रिप मीटर. साथ में एवरेज स्पीड भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, 24 किलोमीटर पर आर की. सो एल्यूमिनेशन ओवरऑल जो कैबिन की है वो भी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ लुकिंग वेरी नाइस. इवन यहाँ पे आपको अगर आप कार को पार्क करते हैं और स्टीयरिंग व्हील की डायरेक्शन दूसरी है, यानी कि डिफरेंट स्टीयरिंग व्हील की डायरेक्शन सेंटर में नहीं है, तो उसका भी आपको रिमाइंडर एंड इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है. सो MID इज़ रियली वेरी नाइस. और ये है 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम. हर्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. 4 speakers एंड 2 front ट्विटर्स अवेलेबल हैं. सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ट्विटर्स की स्पेस दी गई, लेकिन ट्विटर्स आपको फ्रंट में 2 ही मिलते हैं. एंड देन यहाँ पे हमने एप्पल कारप्ले के थ्रू कनेक्ट कर रखा है इन्फोटेनमेंट सिस्टम में. सो यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले मिल जाता है. एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है. गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली फॉर नेविगेशन. यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है. टच इज़ नॉट बेस्ट इन सेगमेंट, बट इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज सुपर फीचर रिच. USB, ब्लूटूथ एंड रेडियो को भी ये सपोर्ट करेगा. एंड यहाँ से ओवरऑल इल्यूमिनेशन हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. क्विक सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है. और यहाँ पे कुछ मोड्स भी आपको मिल जाते हैं. सो यहाँ पे जेन मोड, जिंग मोड एंड जील मोड, जिसमें प्री सेट कलर्स हैं. एंड इसी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है यहाँ पे. और साथ में आप देख सकते हैं साउंड भी इसमें फ्लैट वाली है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. बट अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक यूज़र मोड मिलता है, जिसमें आप AC का जो टेम्परेचर है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. एंड इवन यहाँ पे आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा आपको कलर चाहिए. साउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बाकी जो प्री सेट मोड है उसमें हम जैसे जेन मोड वगैरह में इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. सो यहाँ पे आप कोई भी मोड चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल जेन मोड. सो यहाँ पे इसका कलर एंड इसका कलर, दोनों का कलर चेंज हो जाता है. तो आप देख सकते हैं ब्लू टिंट आ गया दोनों जगह. सो दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे कुछ सेटिंग मिल जाती है, व्हीकल सेटअप. सो बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल हैं. यहाँ पे हम डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. अप्रोच हेडलैम्प, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन जो है उसकी हम यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल हैं. ऑडियो सेटिंग्स, फोन सेटिंग, वॉल्यूम सेटिंग, थीम्स जो कि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं. एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ब्लूटूथ ऑडियो एंड सो ऑन. एंड गाइज आप प्ले करते हैं एक सॉन्ग को. सो 4 speakers एंड 2 front ट्विटर्स यहाँ पे अवेलेबल है. हर्मन का स्पीकर सिस्टम. Small, watch the clock ticking off the wall.
So sound quality is very good guys, it is quite impressive and यहाँ पे 30 जो sound quality है यानी कि जो 30 की यहाँ पे volume है उससे ज़्यादा और volume भी होनी चाहिए थी but anyways आप यहाँ पे woofer rear में install करवा सकते हैं stealth pack जो आजकल आते हैं तो वहाँ पे आपको और बेटर साउंड क्वालिटी मिल जाएगी जो ट्विटर्स की यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दी गई वहाँ पे भी आप ट्विटर्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवा लें इफ यू वांट मोर गुड साउंड क्वालिटी एंड देन दिस इज द एसी यूनिट सो फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है एसी के यहाँ पे टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे या फिर फैन के फ्लो को हम एडजस्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है सो दैट इज़ नाइस आई लेवल पे यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है सो इट इज़ सुपर ईजी टू यूज़ नेविगेशन ऑल्सो यहाँ पे कुछ स्पेस मिलती है सो काफ़ी अच्छा स्पेस ओवरऑल अवेलेबल है टाटा कोई भी कमी नहीं छोड़ती इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एरियाज यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है एंड रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं लेदर आप गियर नॉब विच फील सुपर ग्रिपी एंड दिस इज़ द रियर कैमरा काफ़ी वाइड व्यू मिलता है सेंसर्स का प्रॉपर आपको डिस्प्ले मिलेगा यू कैन सी अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट का एंड इवन जो गाइडलाइंस है दे आर अडैप्टिव सो प्रॉपर ये अडैप्टिव गाइडलाइंस हैं एक्चुअल पोजीशन और प्रस्पेक्टिव पोजीशन दोनों ही यहाँ पे डिस्प्ले होती है सो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो एक्चुअल पोजीशन है वाइट लाइन जो है वो प्रस्पेक्टिव पोजीशन है एंड देन देयर इज सम स्टोरेज स्पेसेस ओवर हियर और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा फ्रंट में यूएसबी पोर्ट ऑक्स पोर्ट नहीं मिलता इधर एंड बिग साइज का ग्लव बॉक्स यहाँ पे पेन होल्डर अवेलेबल है कार्ड होल्डर देन कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पे लैपटॉप एंड टैबलेट होल्डर एल्यूमिनेशन भी अवेलेबल है ग्लव बॉक्स आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलता है देन देयर इज़ अ वैनिटी मिरर ओवर हियर यहाँ पे देखेंगे तो एक हेलोजन लैम्प एंड फर्दर मोर इवन यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM भी अवेलेबल है ओवर हियर वी गेट अ टॉयलेट सीट होल्डर अब चेक करते हैं रियर सीट्स सो कोई भी डोर ओपन होगा टेल गेट ओपन होगा आपको प्रॉपर रिमाइंडर मिलेगा बट अगर यहाँ पे हम ओपन करते हैं बोनेट को सो उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा ऑल्दो अगर आप कार यहाँ पे चलाना शुरू कर देते हैं ओपन बोनेट में तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती है बीप बीप की कॉन्टिन्यूसली साउंड और ये है रियर डोर सो स्पीकर बॉटल होल्डर डोर पॉकेट यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स आइवरी फिनिश ट्विटर्स की स्पेस ऐसे लॉक कर सकते हैं डोर्स को एंड दीज आर द रियर सीट्स हेडरेस्ट बहुत ही बिग साइज की मिलती है आपको देन आर्मरेस्ट अवेलेबल है विदाउट कप होल्डर्स एंड फ्रंट सीट्स के बैक पॉकेट देर इज़ नो रियर एसी वेंट बट यहाँ पे मोबाइल पॉकेट अवेलेबल है ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड रियर में आपको कोई कैबिन लाइट यहाँ पे नहीं मिलती आप चाहे तो बाद में 350 में इंस्टॉल करवा सकते हैं और ये है डैशबोर्ड मेक श्योर आप गाइज इसकी टेस्ट ड्राइव रिव्यू जरूर चेक करें एंड मेक श्योर टू चेक अदर वीडियोज ऑन द चैनल एज वेल इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन